हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ कीजिए। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है कंसेप्ट, कि यहाँ पे ट्रैफिक हम क्या कंसीडर करेंगे। हमारे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक इज नथिंग बट जो भी पैकेट हम सेंड करते हैं या नंबर्स ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन हमारे नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट रहती है, उसको हम एज अ ट्रैफिक कंसिडर करने वाले। इसके अंदर हम क्या देखने वाले, द डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से इंक्लूड होते हैं एंड मेनली कंसेप्ट क्या है हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंसेप्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें से ले रहे जो मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस से अकॉर्डिंग ये है। तो लेट्स स्टार्ट करते द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। द ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज अ मेथड for the dynamically analyze regression and prediction the behavior of a data flowing in a network with the aim of a performing optimization to meet a service level agreement। यहाँ पे कंसेप्ट देखो क्या है कि हमें क्या क्या प्रोसेस करना है इसके लिए। फर्स्ट एनालाइजिंग जितने भी नंबर्स ऑफ पैकेट्स डेटा या जो भी ट्रैफिक हमारे जनरेट हो रहे उसको एनालिसिस करना, रेगुलेशन करना, रेगुलेशन इन द सेंस उसका प्रॉपर फ्लो होगा उसको मेंटेन करना। एंड थर्ड इज द प्रेडिक्शन कि नेक्स्ट टाइम हमारे नेटवर्क के अंदर किस तरह से ट्रैफिक जनरेट होने वाला है, जनरेट हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ अ डेटा और द फ्लोइंग ऑफ अ डेटा इन अ नेटवर्क। ये नेटवर्क का फ्लो किस तरह से, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मेन एम क्या है इसका, परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस जो है उस किस तरह से अच्छे से हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज एन सर्विस लेवल एग्रीमेंट के एस एल ए को हमें फुलफिल किस तरह से कर सकते हैं, जो भी हमने कस्टमर एंड जो प्रोडक्ट करने वाला कि जो उनके बीच में किस तरह से हम जो SLA उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये हम इसके अंदर देख सकते हैं बाय यूजिंग एन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। द ट्रैफिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द एस्टेब्लिश रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट कि मेनली इस क्या काम करता है, एक स्पेसिफिकली नंबर्स ऑफ रूट जनरेट करता है या क्रिएट करता है, हैंडल करता है। एंड फॉरवर्डिंग अ पॉलिसीज, पॉलिसी इन द सेंस रूल्स रेगुलेशन बेस्ड ऑन पॉलिसीज एंड जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी कि हमारी जो भी नेटवर्क है उनको क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने का टास्क वाया ट्रैफिक इंजीनियरिंग थ्रू हम क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। विथ एन SDN द टास्क ऑफ अ ट्रैफिक इंजीनियर शुड बी कंसिडर सिंप्लीफाइड कंपेयर्ड विथ अ नॉन SDN नेटवर्क कि विथ अ SDN हमें क्या करना पड़ता है, ओनली एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करना है ड्यू टू अ सॉफ्टवेयर, हमें सब जो भी एनालिसिस करना होता है, रेगुलेशन एंड प्रेडिक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे होने वाले। तो हमें मैन्युअली कोई भी कैलकुलेशन या कोई प्रेडिक्शन इसके अंदर नहीं करना है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से सर्विस इसके अंदर है, कौन कौन सी सर्विस एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट इज एन ऑन डिमांड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के, जैसे कि हमारे नेटवर्क के अंदर मल्टीपल्स नेटवर्क होते हैं, मल्टीपल्स आईपी एड्रेसेस वगैरह होते हैं। सो इफ हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी ट्रैफिक की वजह से बॉटलनेक या कोई भी डिफरेंस कंडीशन आ गई या ऐसे ही हमें हमारे नेटवर्क के अंदर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क रिक्वायर्ड होगा, तो बाय अस क्लिकिंग एन सिंपल रिक्वेस्ट ऑफ एन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऑन डिमांड ऑफ यूजर्स कस्टमर कंज्यूमर्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क उनको प्रोवाइड करेंगे। ओके, देखें सेकेंड फंक्शनैलिटी है लोड बैलेंसिंग एनर्जी अवेयर राउटिंग। ओके, यहाँ पे क्या करना है हमें, सॉरी यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ हो गई। फर्स्ट सेकेंड वन इज लोड बैलेंसिंग है, इन द सेंस लोड बैलेंसिंग इन द सेंस मल्टीपल्स राउटर्स नेटवर्क के ऊपर जितने भी लोड्स आएंगे, क्या ट्रैफिक के रूट हो गए कि हर रूट के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रैफिक का लोड हो सकता है, तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इन द सेंस वही हमारे तीन चीज़ें, एनालाइजिंग
रेगुलेशन एंड प्रेडिक्शन, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हमारा लोड बैलेंस करेंगे। थर्ड इज एन एनर्जी अवेयरनेस ऑफ राउटिंग, कि मल्टीपल फिजिकल रिसोर्स होंगे हमारे या लॉजिकल रिसोर्स होंगे, वर्चुअल रिसोर्स होंगे, तो उनके लिए कितनी एनर्जी हमें कंज्यूम हो रही है, कि उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे यहाँ पे एनर्जी का जो भी रूटिंग होगा कि यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी एनर्जी हमें सेव हो रही है, सभी के सभी डिटेल्स हम यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर बता सकते हैं। देन नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क। जितने भी सर्विस कंज्यूमर होंगे उनको हम किस तरह से क्वालिटी एश्योरेंस के साथ नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते इन अ ब्रॉडबैंड बेस बैंड या डिफरेंट बैंड्स के नेटवर्क होंगे, उनको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं विद एन क्वालिटी, ये हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट इज एन शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ट्रैफिक। ओके, शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ट्रैफिक इंजीनियरिंग विथ मिनिमल ओवरहेड, कि ये भी दो टर्म्स एक साथ है। फर्स्ट है शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, कि हर एक नेटवर्क के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल करेंगे कि कौन से पैकेट कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट होने वाले या ऑन डिमांड किस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते। देन विथ मिनिमम ओवरहेड इन द सेंस, कम से कम ट्रैफिक के साथ, इन द सेंस हम किस तरह से विदाउट एनी हेडेक हमारे नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक इजीली और स्मूथली फ्लो कर सकते, उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते, ये इसके अंदर एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड हो जाएगा। देन नेक्स्ट, डायनेमिकल क्वालिटी ऑफ सर्विस राउटिंग फॉर अ मल्टीमीडिया ऐप। ओके, ऑब्वियसली जितने भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है हर किसी के लिए ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा होने वाला है, सो उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं एंड क्वालिटी जो होगी हमारी किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं टू अ कंज्यूमर, ये हम डायनेमिक विथ अ डायनेमिक। ओके, स्टैटिक होगा तो उसके लिए ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो सकती है, एंड डायनेमिक के अंदर हम क्या करेंगे उसको मैनेज कर सकते, चेंजेस कर सकते ऑन अ रन टाइम, तो ये हमें डायनेमिकली प्रेफरेबल होने वाला है। देन फास्ट रिकवरी थ्रू अ फास्ट फेल ओवर ग्रुप। ओके, यहाँ पे हमारे जो रिकवरी रेट होगा, ये रिकवरी रेट हाई होने वाला है, सो फास्ट रिकवरी थ्रू अ फास्ट फेल ओवर। इफ हमारा जो नेटवर्क है फेल हो गया कोई भी रीजन की वजह से फेल हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैकअप रखेंगे या कोई डिफरेंट मैकेनिज्म रख सकते हैं जिसके थ्रू इफ हमारा नेटवर्क फेल हो रहा है तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं विद अ मिनिमल टाइम, कम से कम टाइम में उसको हम रिकवर कर सकते हैं। सो फास्ट रिकवरी विद एन फास्ट रिकवरी ग्रुप, उसके लिए हम एक स्पेसिफिकली ग्रुप मेंशन करेंगे ऑफ अ फास्ट फेल ओवर ग्रुप, उसके थ्रू हम फास्ट रिकवरी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज एन क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फ्रेमवर्क होगा हमारा को मैनेज करने के लिए एक पॉलिसी मेंशन करेंगे, सो पॉलिसी थ्रू जो भी क्वालिटी ऑफ सर्विस कंज्यूमर को हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करें विथ एन क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं विथ एन फ्रेम, के फ्रेम जो भी काम हम करने वाले उसको वर्क करने वाले उसके एक प्रॉपर फ्रेम के साथ एक स्पेसिफिक पॉलिसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस एनफोर्समेंट, क्वालिटी ऑफ सर्विस ओवर अ हेट्रोजीनियस नेटवर्क, कि जितने भी क्वालिटी होगी हमारी उसको किस तरह से हम एनफोर्स इन द सेंस इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे जो फंक्शनलिटी होगी हमारी, कि मेन कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारे की कंपोनेंट है बोल सकते ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर। द मल्टीपल पैकेट शेड्यूलिंग, कि हर एक पैकेट को हम कौन से टाइम के ऊपर रन करने वाले उसके लिए एक स्पेसिफिक शेड्यूल हम यहाँ पे देंगे, तो उसी टाइम के ऊपर वो पैकेट यहाँ पे सेंड होने वाला है, सो जो टाइम होगा शेड्यूल होगा देन द पैकेट होगा वो भी ऑब्वियसली मैनेज होगा, एंड साइमल्टेनियसली जो ट्रैफिक जनरेट होने वाला है उसका भी हमारे पास एक एनालिसिंग या प्रेडिक्शन टाइम यहाँ पे होने वाला है। द क्यू मैनेजमेंट फॉर अ क्वालिटी ऑफ सर्विस एनफोर्समेंट, के क्यू इन द सेंस नंबर्स ऑफ जो पैकेट सेंड होते हैं कि इन अ फॉर्म ऑफ क्यू, कि वन बाय वन
या एट अ टाइम कितने पैकेट हम सेंड करने वाले क्यू के अंदर, तो सभी हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. सो इजी टू प्रेडिक्ट, इजी टू एनालिस एंड इजी टू हैंडल. डिवाइड एंड सेपरेट फॉरवर्डिंग टेबल. ओके, जस्ट लाइक कि एट अ टाइम हमें मल्टीपल्स टेबल्स को या मल्टीपल्स यूजर्स को डेटा सेंड करना, या सिंपल कि एक पैकेट को हम एट अ टाइम पैकेट के साइज के अकॉर्डिंगली, कि हम पैकेट को एट अ टाइम सेंड नहीं कर सकते. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि पैकेट को डिवाइड करेंगे इन शॉर्टेस्ट पाथ, इन द सेंस स्मॉल पैकेट के अंदर उसको या सब पैकेट के अंदर डिवाइड करेंगे. एंड देन लास्ट में क्या होगा कि जितने भी फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर हमारे पास सोर्स होंगे या डिफरेंट रूट्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे पैकेट को सेंड करेंगे टू अ डेस्टिनेशन एड्रेस. नेक्स्ट आपका होने वाला है कि जो एग्जाम्पल होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, वो हम नेक्स्ट इसमें देखते हो, थोड़ा सा वास्ट बड़ा कंसेप्ट है. सो जो पॉलिसी कॉप नेक्स्ट वीडियो है उसका आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगी जब वो कंप्लीट हो जाएगी. सो इफ इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग के वीडियो के अंदर कोई भी डाउट होगा, सजेशन होगा, क्वेरी होगी, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इफ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.